हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में कहीं टांका तो नहीं मारा जा रहा। इसी तर्ज से निगम के अधिकारी नियमित तौर पर बसों की चेकिंग कर रहे हैं। बसों की नियमित चेकिंग के दौरान जहां यात्रियों से बस चालक और परिचालक के व्यवहार में पूछा जाता है, वहीं उन्हें निगम द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से भी अवगत करवाया जाता है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय प्रबंधक HRTC धर्मशाला ने विभिन्न स्थानों पर निगम की बसों की चेकिंग की। इस दौरान खामियां तो नजर नहीं आई, लेकिन कई जगह खाली बसें ही दौड़ती नजर आई। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में कहीं टांका तो नहीं मारा जा रहा। इसी गर्द से निगम के अधिकारी नियमित तौर पर बसों की चेकिंग कर रहे हैं। बसों की नियमित चेकिंग के दौरान जहां यात्रियों से बस चालक और परिचालक के व्यवहार के बारे में पूछा जाता है, वहीं उन्हें निगम द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से भी अवगत करवाया जाता है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय प्रबंधक HRTC धर्मशाला ने विभिन्न स्थानों पर निगम की बसों की चेकिंग की। इस दौरान हालांकि खामियां तो नजर नहीं आई, लेकिन कई जगह खाली बसें ही दौड़ती नजर आईं। निजी बसों में सवारियां अधिक होती हैं, ऐसे में निगम की बसों में यात्रियों की कमी को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा परिचालक से सवाल जवाब भी किए गए। हालांकि परिचालकों का कहना था कि सवारियां नहीं मिली, लेकिन क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा निजी बसों में सवारियां होने की बात पर परिचालक लाजवाब हो गया। निगम प्रबंधन का कहना है कि कई बार चालक परिचालक के व्यवहार को लेकर शिकायतें उनके पास कम ही पहुंचती हैं, लेकिन जो भी आती हैं उन पर संज्ञान लिया जाता है। क्षेत्रीय प्रबंधक HRTC धर्मशाला पंकज चड्डा ने कहा कि बसों की चेकिंग रेगुलर रूटीन है। इस दौरान देखा जाता है कि यात्री खपत कहां अधिक है, वहीं यात्रियों से भी कमियों के बारे में पूछा जाता है। निरीक्षण के दौरान कोई कमी आज सामने नहीं आई है। यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। ड्राइवर कंडक्टर के व्यवहार को लेकर काफी कम शिकायतें आती हैं, जो भी आती हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाती है। व्यवहार को लेकर बसों के निरीक्षण के दौरान कोई शिकायत नहीं आई है। कोई शिकायत आती है तो उस बारे स्टाफ को व्यवहार सुधारने की बात कही जाती है। ये जो बसेस का निरीक्षण है, ये हमारी बिल्कुल रेगुलर रूटीन है और मैं रोजाना अपने फ्लाइंग स्क्वाड के साथ चेकिंग भी करते हैं। और इसमें एक तो हम तो ये देखते हैं कि ट्रैफिक पोटेंशियल हमारा कहाँ कहाँ है, और दूसरा थोड़ा स्टाफ भी सतर्क रहता है, और तीसरा जो पैसेंजर्स हैं उनसे भी हम इंटरेक्ट करते रहते हैं ताकि पैसेंजर्स की हमारी बसों में बढ़ोतरी कैसी हो। नहीं, खामियाँ कोई ऐसी नहीं सामने आई हैं। सभी जो सवारियां सफ़र कर रही थी, हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स ने बिल्कुल उन्हें टिकट दिए हुए थे और लोगों को जागरूक भी किया। आज हमने जैसे कई लेडी पैसेंजर्स थी उनको भी जागरूक किया, और अदरवाइज भी हमने देखा कि गाड़ियां टाइमली चल रही हैं और गाड़ियों में सवारियां थी। जहाँ तक यहाँ का सवाल है, ऐसी बहुत कम शिकायतें मेरे पास आती हैं। अदरवाइज हमारे जो लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ सवारी हाथ देती है लोग उन्हें बसेस को रोकते हैं और उन्हें सुविधा प्रदान करते हैं। नहीं, निरीक्षण के दौरान ऐसा कुछ नहीं आया है, परंतु फिर भी अगर कोई शिकायत आती है तो हम जो शिकायतकर्ता होता है उसे बिल्कुल उसके इंटरेक्ट करते हैं, और कोई भी इंक्वायरी अगर वो चाहते हैं तो इंक्वायरी भी करते हैं, और अपने जो क्रू मेंबर्स हैं उन्हें बताते हैं कि सवारियों से अच्छा व्यवहार करें ताकि सवारी जहाँ से हमारी बसेज में बैठे। अलग अलग तरह की कार्रवाई की जाती है। कई बार पैसेंजर फॉल्ट होता है तो उन्हें फाइन किया जाता है, या अगर कोई कई बार पैसे ले लिए हैं और अगर टिकट नहीं दिया है तो उसके ऊपर अलग अलग से जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है उसे देख के उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाती है। ये रोजाना का प्रोसेस है। रोजाना जो हमारी चेकिंग होती है और हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ये रोजाना रूटीन है हमारी। सवेरे से लेकर शाम तक जो हम लोग गाड़ियों का निरीक्षण करते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं।